शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्य का के ऊपर कहीं उत्स प्रस्त्रवण चमकते झरते कहीं शुभ निर्जर जहां भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं वाहन हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन आसपास कुछ कटे हुए पीले धनकेत सुहाते हैं शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं कुछ करते शिशु का लेहन कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी पर पाती है भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं वन के जीव विवर से बाहर हो विशब्द विचरते हैं सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर अजिंदर्भ पालाश कमंडलु एक ओर तपके साधन एक ओर है टंगे धनुष तुणीर तीर बरझे भीषण चमक रहा त्रिकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली श्रद्धा बढ़ती अजिंदर्भ पर परशु देख मन डरता है युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार जिस मुनि की यह श्रुआ उसी की कैसे हो सकती तलवार आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार क्लीव ना तो तप ही करता क्लीव ना तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार तप से मनुष्य दिव्य बनता है षड विकार से लड़ता है तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा रण में कुटिल काल सम क्रोधी तप में महासूर्य जैसा मुख में वेद पीठ में तरकस कर में कठिन कुठार विमल शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल यह कुटीर है उस महामुनि परशुराम बलशाली का भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धर कर सोए हैं तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है कर्ण मुक्त हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है चढ़े नहीं चीटियां बदन पर पड़े नहीं त्रिणपात कहीं कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं वृद्ध देह तपसे कृष्काया उस पर आयुध संचालन हाथ पड़ा शंभार देव पर असमय यह मेरे कारण किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी और रात दिन मुझ पर दिखलाने रहते ममता कितनी कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न यदि तू खाएगा मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा।